हम अपने जीवन के जो कुछ शेष बचा है वो जीवन अपने आप में इतना क्षमतावान बन जाए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रहे ही नहीं, कमी नहीं रहे। वही श्लोक में प्रारंभ कर रहा हूं कि उसमें बताया है कि हम अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़े। पूर्णता, पूर्णता का तात्पर्य हमारे जीवन में कोई कमी रही नहीं, जो कुछ चाहे वह मिल जाए। अपूर्णता, हम प्रयत्न करते रहे प्राप्त हो ही नहीं, हम मेहनत करते रहे व्यापार बढ़े ही नहीं, हम पूरा परिश्रम करने के बाद भी शरीर को स्वास्थ्यमय नहीं बना सके। हम अपने जीवन में किसी प्रकार से न्यून नहीं रहे, अधूरे नहीं रहे। हर प्राप्ति, हर चीज हमारे हाथ में हो, हम जो कुछ चाहे प्राप्त कर सके, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे करोड़पति बनने की क्रिया। और ऐसा सहज संभव है क्योंकि इस युग में व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो हवाई जहाज चलाना आता था, उसको राजनीति का ज्ञान ही नहीं था, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है जिसको अपना पूरा सिग्नेचर लिखने नहीं आते, पूरे हस्ताक्षर पूरे नहीं करने आते। राजस्थान में एक बांगड़ कलकत्ता के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अरबपति है, और उनको सिग्नेचर आपने देखा नहीं है, पूरे लकड़ी की डंडी से जैसे बगड़ लिखते बगड़ लिखते बस खत्म। चौथा अक्षर उन्हें जिंदगी में सिखाएंगे, पढ़ने के लिए के पहले दिन और पहले दिन जाकर मास्टर की खोपड़ी में वो स्लेट मार करके घर आ गए कि उन्होंने मुझे गाली दे दी इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़े ही नहीं, बन गए करोड़पति, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, शिक्षा बड़ी नहीं रही। इसलिए कोई जरूर नहीं है कि आप एमए पास होने के बाद ही करोड़पति बन सकते हैं या बीए होने से बन सकते हैं, ये कोई जरूर नहीं है। जरूरी है आपके पास उस अपूर्णता को पूर्णता देने की क्रिया, और उस अपूर्णता को पूर्णता देने की जो क्रिया है वो अपने आप में महाकाली साधना है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।